हेलो जी। हेलो, क्या हाल चाल है आज भाई? 6 साल और 1,33,000 किलोमीटर पूरा करने के बाद इसका मैं एक ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ, स्कॉर्पियो S10 4x4 ऑटोमेटिक का। तो और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह पे, इतनी बेकार जगह पे खड़े होके, ऑफ रोड खड़े होके क्यों आप वीडियो बना रहे हो? तो भाई इसकी वजह से, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ये है 4x4। तो 4x4 शो करने के लिए मैं ऐसी ऑफ रोड टेरेन पे आया हूँ। तो ज़्यादा ऑफ रोड तो है नहीं है, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। ऑफ रोड टेरेन जैसी लॉकडाउन खुलेगा, मैं आपकी इसके एक ऑफ रोडिंग वीडियो भी बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी इसकी मैं शो करूँगा उसमें, ऑफ रोड टेरेन के लेके आऊँगा जैसी लॉकडाउन खुलेगा, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो आज मैं बताऊँगा आपको कि भाई इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस, इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ, महिंद्रा की मोस्ट सेलिंग SUV महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 मॉडल है आज मेरे पास। और ये लिमिटेड एडिशन है मेरी, आपने वीडियो देखी होगी, लिमिटेड एडिशन है क्योंकि ये ऑटोमेटिक 4-व्हील ड्राइव है। ये फरीदाबाद में, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, एक या दो हैं। ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ में सेल होती है, और हिल एरियाज़ में भी ऑटोमेटिक सेल नहीं होती, सिर्फ 4x4 सेल होती है। तो ये ऑटोमेटिक 4-व्हील ड्राइव जब हमने ली थी तो ये पहली थी शोरूम में, 2015 मॉडल है ये, 15 अक्टूबर लास्ट में ली थी। तो उस टाइम ही पहली 4x4 ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो थी जो शोरूम से निकल रही थी, और ये आई भी 3 महीने के उस पर थी, ऑर्डर पे 3 महीने का ऑर्डर दिया था। तो 3 महीने बाद स्पेशल ऑर्डर पे बन के ये आई थी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके एक्सटीरियर के बारे में। तो एक्सटीरियर में जो इसका डिज़ाइन है ना, जीप डिज़ाइन जो बॉक्सी एक लुक आता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। हालांकि इसको ग्लोबल एंड कैप रेटिंग में 0 स्टार मिले हुए हैं, बहुत दुख की बात है, महिंद्रा को इस चीज़ के बारे में करना चाहिए। बट इसका जो लुक्स है ना, लुक्स बहुत अच्छी लगती है, और स्पेशली इस कलर में तो अच्छी लगती है, ब्लैक कलर में इससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पहला इसके गुड्स में आएगा कि भाई इसकी लुक्स बहुत अच्छी है, और ये मतलब हमारे कम्युनिटी में, जाटों में आ जाओ, जाटों में, गुजरों में, इनमें आ जाते हैं, तो ये फेवरेट उसमें भी आ जाती है। पहले स्विफ्ट के बाद स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के बाद फॉर्च्यूनर, और फिर उसके बाद ऑडी। तो ये हमारी वो होती है कि भाई इसी उसी उसमें चलना है, तो हमारे इसमें फेवरेट भी मानी जाती है स्कॉर्पियो। फिर आते हैं इसके 2.2 लीटर एमहॉक इंजन के बारे में। डीजल इंजन इसमें आता है 2.2 लीटर का एमहॉक, और बहुत अच्छी पावर ये निकाल देता है। और सबसे अच्छी बात है जो इसकी माइलेज है ना, माइलेज भी अच्छी है। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी इसकी माइलेज किया सेल्टोस से ज़्यादा अच्छी है। अगर इसे अच्छे से चलाओ तो 18-19 तक की दे देती है, और बाकी सिटी में ये 14-15 तो आराम से दे ही देती है। तो माइलेज भी बहुत अच्छी निकालता है, इसका इंजन काफ़ी पावरफुल है। फिर आते हैं इसके 4x4 पे। तो भाई स्कॉर्पियो जो 2x2 है फंस जाती है, मतलब स्कॉर्पियो के सारी SUVs जो रियर व्हील ड्राइव होती है वो कैसे फंस जाती है, मैंने अपने वीडियो में देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। तो ये 4x4 ना, इसने भी काफ़ी हेल्प करी है हमें ये 6 सालों में। हम इसे मतलब हर जगह बिना डरे ले जाते हैं, लॉन्ग रूट पर तो हम इसीलिए इसे प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक है तो कम्फर्टेबल तो है ही, और ऊपर से 4x4 है तो हमें कहीं भी फंसने का, या कहीं भी बर्फ़ में, कहीं भी उसमें चले जाओ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि भाई गाड़ी फंस जाएगी या कुछ भी ऐसा है। तो 4x4 भी इसका काफ़ी, मतलब बारिशों में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, हल्का सा भी जैसे ही ट्रैक्शन लूज़ होता है टायर स्किड कर जाते हैं, तो इसलिए 4x4 पे चलाते हैं। तो 4x4 ने भी इसका काफ़ी साथ दिया है इन 6 सालों में। अगला इसका अच्छा पॉइंट आता है स्पेस। बॉक्सी डिज़ाइन की वजह से इसमें स्पेस भी इतनी ज़्यादा मिल जाती है, सीट भी काफ़ी अंडर थाई सपोर्ट इतनी अच्छी मिल जाती है। पीछे देख सकते हो इसमें कैप्टन सीट आती है, कैप्टन सीट वाला मॉडल लिया था, तो स्पेस देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा है, मतलब पीछे वाले सीट में भी इतनी ज़्यादा स्पेस आई डोंट थिंक फॉर्च्यूनर में भी मिलती है। इसमें आराम से मैं भी बैठ सकता हूँ पीछे, उसमें हम नहीं बैठ पाते। तो आप स्पेस देख सकते हो कितनी है, ऊपर हेड रूम कितना है, लेग रूम कितना मिला हुआ है सारी उसमें। तो स्पेस इसका बॉक्सी डिज़ाइन की वजह से स्पेस इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी कहने को तो ये 7-सीटर है, कंपनी तो इसे 7-सीटर बेचती है, पर इसमें 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर जैसे हम लोग कभी जाते हैं कहीं तो 10 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं, सामान आ जाता है सारा ऊपर छत पे। फिर नेक्स्ट जो इसका प्लस पॉइंट है वो है फीचर, मतलब ऐसा कोई फीचर नहीं है जो इसमें ना हो। सारे इंफोटेनमेंट में सारे फीचर, TPMS सिस्टम, प्रेशर, एयर टेम्परेचर दिखाता है, मतलब मैप्स है, नेविगेशन वगैरह सब कुछ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मिल जाता है। फीचर लोडेड गाड़ी मिलती है, मतलब ऐसा कोई फीचर नहीं है जो इसमें ना हो। तो फीचर लोडेड एक तो जो मिल जाती है ना इस प्राइस रेंज में, उस टाइम 16.5 लाख की ली थी ये, 16.5 लाख की S10 ऑटोमेटिक प्लस 4-व्हील ड्राइव। तो इतने ज़्यादा फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक में मिल जाता है इसमें। और नेक्स्ट है जो प्राइस रेंज, भाई इस प्राइस रेंज में तो आज के टाइम में तो खैर कोई गाड़ी मिलती नहीं, पर उस टाइम में भी वैल्यू फॉर मनी थी। 16.5 लाख में ऑटोमेटिक प्लस 4x4 7-सीटर प्रॉपर SUV मिलना एक अपने आप में बड़ी बात थी 2015 में। तो वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं इस गाड़ी को, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है ये गाड़ी।
और नेक्स्ट आते हैं इस इतने बड़े इंजन के साथ इसकी फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं आप। एवरेज माइलेज आ रही है 14.4, ये तब आ रही है जब इतनी रफ रोड पे और लोकल में चला रहे हैं। ऐसे हाईवे पे 18-19 की माइलेज निकाल देती है कोई भी, इतनी बड़ी एसयूवी तो इतनी अच्छी एवरेज नहीं देती है। इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और एवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसका, ये एक बहुत अच्छा इसका प्लस पॉइंट है। 92 की इसमें रेंज है रिजर्व पे लगी हुई है, 46 लीटर 3800 रुपये का इसका पूरा फ्यूल आया। फर्स्ट कट पे इसमें बंद करवा दी थी, पूरी ऊपर तक नहीं करवाई है, फिर भी 3800 का और अराउंड इसमें 1500-2000 का पहले भी था ही। 92 की इसमें रेंज दिखा रही थी तो पूरा फुल टैंक में 775 की आई है। अगर इसमें माइलेज अच्छी निकलती है, अगर हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं ना तो 1000 किलोमीटर तक चल जाती है एक फुल टैंक में, माइलेज से तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है इसकी। और ऑटोमेटिक में मिली जाती है, पीछे कैप्टन सीट है इसमें, मतलब सिटिंग भी कम्फर्टेबल है इसकी और ड्राइविंग भी इसकी कम्फर्टेबल है। हम लॉन्ग रूट पर इसी को प्रेफर करते हैं ले जाना, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और फिर लास्ट जो इसका प्लस पॉइंट आता है वो इसकी रीसेल वैल्यू, स्कॉर्पियो की रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है और स्पेशली इस मॉडल की तो है ही, क्योंकि भाई ये 4x4 ऑटोमेटिक है। इतने DMs मैसेज आते हैं मेरे पास इसके कि आप सेल कर रहे हो। अब आते हैं इसकी बैड क्वालिटीज़ के ऊपर, मतलब जो इसमें मुझे बुरी लगी 6 साल में और उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। भाई सबसे ज़्यादा बुरी इसकी बिल्ड क्वालिटी, ग्लोबल एंड कैप में 0 मिले हुए हैं इसे, 0 मतलब अगर ये आगे से ठुकती है तो इसकी छत भी बैंड हो जाती है, इतनी ज़्यादा इसकी वो है, बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है। आप देख सकते हो दरवाजे भी बिल्कुल, ये देखो कोई थर्ड साउंड नहीं है, बिल्कुल पतले पतले से दरवाजे दिए हुए हैं इसमें। तो ये जो बिल्ड क्वालिटी है ना इसकी, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। फिर आते हैं इसमें मटीरियल क्वालिटी, जो अंदर मटीरियल भी लगा हुआ है ना, ये देख सकते हो आप, बटन्स भी देखो कैसे कैसे आवाज़ करते हैं। तो ये मटेरियल क्वालिटी भी इसमें अच्छी नहीं है, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को टच करके देखोगे तो मटेरियल क्वालिटी इसमें अच्छी नहीं मिलती। ये देखो ये किसका, ये टूट भी गया है। तो मटेरियल क्वालिटी महिंद्रा में स्कॉर्पियो में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा चीप फील होता है इसका, मतलब इंटीरियर है ना जैसे, और ये बजने भी लगती है। अब सर्विसिंग पर टाइट होके आती हैं इसकी सीट्स वगैरह, अब देख सकते हैं आप ये पीछे ना सीट्स बजने भी लगती हैं, ये अगर इसे ऑफ रोडिंग में खाली गाड़ी को चलाओगे ना तो बजने लगती है, पूरी गाड़ी खड़कती है। फिर इसकी सर्विस कराते हो, ग्रीसिंग ऑयलिंग वगैरह करते हैं तो फिर ठीक हो जाती है, बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा चीप है इसकी सीट्स की भी। और मतलब अगर ये प्लेस करी हुई किसी नट उस पर तो वो लूज़ क्यों हो जाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट पता नहीं महिंद्रा ने क्या वो करा है। पर अब महिंद्रा अच्छा वो कर रही है, आगे आने वाली स्कॉर्पियो बहुत बढ़िया आ रही है मैंने सुना है। और उसके बाद जो सबसे बेकार मुझे चीज़ लगी है भाई, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम फीचर पूरे हैं पर साउंड क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो, एकदम ज़ीरो है। स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि इसके ये जो बॉक्सी लुक है ना, तो बॉक्सी लुक में अंदर स्पीकर्स आप अच्छे भी लगा लेते हो ना तो बेस नहीं बन पाता आपके स्पीकर का। जैसे क्रूज़ में कॉम्पैक्ट लुक थी ना, कॉम्पैक्ट में बेस अच्छा बनता है, पर ये बॉक्सी में बेस अच्छा नहीं बनता। इसके लिए बेस ट्यूब वूफर वगैरह लगाने पड़ते हैं, जिसका मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो इसलिए आपके स्पीकर म्यूज़िक क्वालिटी तो बिल्कुल ही बेकार है इसकी, म्यूज़िक क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है इसकी। बाकी इसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा है, बुराइयाँ तो बस क्वालिटी इशूज़ हैं और कुछ भी नहीं है। क्वालिटी इशूज़ अगर महिंद्रा सुधार दे तो यार वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। अब आने वाली स्कॉर्पियो पता नहीं 4x4 ऑटोमेटिक आएगी कि नहीं आएगी, अब तो शायद 4x4 आती है, ऑटोमेटिक तो डिसकंटिन्यू हो गई है, ऑटोमेटिक नहीं आती, ऑटोमेटिक लेनी है तो एक्सयूवी में आती है वो। तो बस यही था यार इसका, बाकी हम तो 6 साल से इसे चला रहे हैं बिल्कुल, मतलब जो कहते हैं ना कि फ़ैन, आज तक इस गाड़ी ने कभी धोखा नहीं दिया। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी ले जाओ इसे, कितने ही लोग इसे भर दो और कोई मांग के ले जाने वाला होता है ना तो वो भी उसे दे देते हैं कि इसमें कुछ बिगड़ता नहीं गाड़ी में, कैसी चलाओ कोई कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं होती। सर्विस भी मेंटेनेंस भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, वही 10-12 हज़ार रुपये में इसकी सर्विस हो जाती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। बाकी इसमें जो बुराइयाँ थी वो तो सिर्फ क्वालिटी रिलेटेड इशूज़ थे, बाकी फ़ीचर तो इससे पूरे दिए हुए हैं। कॉर्निंग लाइट्स वगैरह भी दी हुई हैं जो कि हिल्स में चलाने में बहुत हेल्प करती हैं। बाकी तो भाई ये था इसका एक ओनरशिप रिव्यू, जो मैंने बता दिया कि मुझे 6 साल में इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी है और क्या चीज़ बुरी लगी है। बुरी सिर्फ क्वालिटीज़ इशू थे और बाकी 133,000 किलोमीटर चला दिया, आज भी ऐसे चलती है जैसे पहले दिन चलती थी। इंजन को लेके कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारी चीज़ सस्पेंशन वगैरह किसी में भी कोई भी वैसा इशू नहीं है, बस क्वालिटी इशूज़ जो हैं वो मैंने आपको बताई दिए। तो और एक बुराई और है यार इसमें, जब चलाते हैं ना तो बॉडी रोल भी बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब स्टेबल नहीं है इतना इसका चेसिस देखा जाए तो, बॉडी रोल इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, आप हिलते हिलते जाते हैं पूरे उसमें। और हाँ, अगर आपको इसका ऑफ रोड, प्रॉपर ऑफ रोड देखना है
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे आने वाले जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं इसके एक ऑफ रोड वीडियो लेके आऊँगा, और हो सकता है मैं किसी स्पेशल आदमी के साथ किसी स्पेशल जगह ऑफ रोडिंग के लिए इस गाड़ी में जाऊँ भी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ यार, मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि मैं इसको ना मॉडिफाई करूँ, इसके अलॉयज वगैरह चेंज करवाऊँ। लोकल में मैं जाऊँगा नहीं, ओरिजिनल में जाऊँगा। तो क्या सजेस्ट करते, तो क्या मैं इसे एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल में वो कर दूँ? सेल करने का तो इसे मन है नहीं, क्योंकि यार अब ये वाला मॉडल मिलता नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड एडिशन है, एंटीक पीस है। जब तक चलेगी हमारी रामप्यारी, जब तक चलाएंगे इसको। तो आप कमेंट करके बताना क्या इसे मॉडिफिकेशन क्या वीडियो देखना चाहते हैं, इसके अलॉयज का साइज चेंज करवाऊंगा आगे, मतलब प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल बनाऊंगा इसे, और माउंटेन्स में ऑफ रोडिंग के लिए इसे लेके जाया करेंगे फिर ट्रिप पे। तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।